नमस्कार, यूपी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बांदा में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां 10 वर्षीय मासूम बच्ची का शव खेत में लहूलुहान अवस्था में मिला। घटना के बाद से ही गांव में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी बच्ची के परिजनों को लगते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों के द्वारा पूरे मामले की जानकारी संबंधित थाने को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अग्रिम कार्रवाई मच उठ गई। तो वहीं जानकारी मिलते ही समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विशंबर यादव भी अपने समर्थकों के साथ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और सांत्वना दी। मृतक बच्ची के परिजनों द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है। अगर पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो अभी तक पुलिस के हाथ पूरी से खाली है। कल रात्रि में थाना बहेरू के ग्राम पोहिया के रहने वाले बालकेश द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उनकी पुत्री की किसी ने गला दबा करके हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर धारा 302 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। पर आप आए हैं, क्या घटना हुई है? देखिए, ये पोहिया गांव है, बहेरू थाने का। पवैया गांव में पिंकी नाम की एक 9-10 साल की लड़की अपने खेत पे गई थी। इनका यहीं पास में डेरा है, डेरे में बाबा रहता है, बाबा का नाम रघुराज। ये 9-10 साल की लड़की खेत पे गई थी चारा लेने के लिए। फसलों के बीच में एक चारा होता है जिसे बहुड़ी कहते हैं, वो फसलों को नुकसान करता है तो उसको फसल के बीच से उखाड़ते हैं। तो बच्ची यहीं उखाड़ रही थी इस, और उखाड़ करके काफ़ी कुछ इकट्ठा कर लिया था। उसकी ये घटना है करीब 4:30-5 बजे के आसपास। वो अपने बाबा से मिल करके खेत पे आई थी और यहाँ कोई व्यक्ति उसे दबोच लिया और दबोच करके उसके साथ संभवतः बलात्कार किया है, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता तब तक बलात्कार की पुष्टि नहीं होगी, लेकिन संभवतः किया। जैसे उसकी सलवार फटी थी, कपड़ों में खून लगा हुआ लुआ था और गर्दन दबा करके उसको मार डाला। ये बहुत ही विवश और ही बहुत ही जघन्य घटना है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और प्रशासन को कहते हैं कि 3 दिन में खुलासा करें, चूँकि बांदा ज़िले में इस तरह की ये 4 घटनाएँ हो चुकी। अभी 15 जनवरी को हुई मुरवा में, गिरमा थाने में ये घटना, वो भी 6-7 साल की लड़की थी, उसके साथ बलात्कार हुआ, वो जिंदगी मौत से संघर्ष कर रही है और उसमें अभी तक एक अपराधी को छोड़ करके बाकी अपराधी नहीं करे पकड़े गए। बांदा की पुलिस पूरी तौर से नाकाम है, क्या कर रहे हैं और इतना बलात्कार हो रहा है छोटी छोटी बच्चियों के साथ पूरे प्रदेश में। इस सरकार में जैसे बलात्कारों की बाढ़ आ गई है, महिलाएं, बेटियां, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। इस सरकार को नैतिकता के आधार पर सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसमें अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? 3 दिन में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम थाना घेरेंगे, SP को घेरेंगे और बांदा में पूरी तरह से कोई भी काम नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को पूरी तौर से लड़ेगी। मेरा नाम चंदीप पटेल, कहाँ रहते हैं? जी, जहाँ घटना हुई है उसी के बगल में हम लोग गांव छोड़ के पुराव में रहते हैं। कौन से गाँव? पवैया। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना जी, लड़की आई थी चारा लेने भैंस के लिए, जिसमें उसके खेत में चारा निकाल के रख दिया और जब लड़की घर नहीं पहुँची तो उनके पिता खोजने आए, तभी उन्हें उनकी डेड बॉडी मिली। कहाँ पर पड़ी हुई थी? इन्हीं के पुरवा के 200 मीटर आगे बगल के खेत। क्या लगता है ये सब देख कर जैसे पड़ी थी, आप मौके पर आए थे? जी, हम भी 2-3 मिनट बाद जब इन्हें डेड बॉडी मिल गई तब हम लोग आए थे। क्या लगता है इसमें? लगता है कि जैसे किसी ने बलात्कार किया हो फिर लड़की को गला घोंट के मार दिया।